Hey guys, welcome back to another exciting vlog and you watching Uttamraj Pro. So guys, आज के vlog में मम्मी मेरे साथ है because मैं आ गया हूँ पंजाब से ओडिशा छुट्टी में, 20 दिन की छुट्टी में guys, और मेरे exams है तो एग्जाम के कारण मैं ओडिशा आया हूँ और फिलहाल मेरे एग्जाम कटक में होने वाले, मेरे डिग्री चल रही है गाइस, बट अभी फिलहाल गैप है तो मैं अपने घर आया था मयूरभंज बारीपदा में। तो आज की इस वीडियो में थोड़ा सा लोकल रेसिपी आपको दिखाने वाला हूँ, क्या हम ओडिया लोग क्या हम पसंद करते खाने में। मेरा वन ऑफ द फेवरेट जो एक पकौड़े बोल सकते हैं, जिसका हम बोलते हैं हम उसको ओडिया में बोईताड़ू फूलो, और अगर हिंदी में बोलूं उसको बोलते हैं कद्दू के फूल के पकौड़े। तो मम्मी आज की इस वीडियो में बना के आपको दिखाने वाली है किस तरह का है उसका रेसिपी और किस तरह उसको बनाया जाता है गाइस। तो चलिए गाइस, सुनते हैं मम्मी की जुबानी से उसकी रेसिपी। हाँ मम्मी, बताइए इसका रेसिपी क्या है। हेलो गाइस, सबको मेरा नमस्ते। आज मैं बोईताड़ू का फूल जो बोलते हैं उड़िया में और हिंदी में इसको बोलते हैं कद्दू का फूल का पकौड़ी। ये अभी देखो, ये कद्दू का फूल है, ये फूल का जो डंडा और इसका जो अंदर, इसको मैं पूरा सफाई कर दिया है। देखो आप लोग, पूरा खाली खाली हुआ है, अभी सफाई हो गया, इसका सब क्लीन कर दिया। अभी ये मेरा रेसिपी में आता है पकौड़ी की। इसमें मैं डाला है कच्चा चावल, लहसुन और हरा मिर्ची और जीरा की पाउडर। इसमें देके मैं इसको ऐसे ऐसे गाढ़ा गाढ़ा किया है। अभी मुझे पकौड़ी बनाना है इसका। पहले आप लोग को देखो, इसको जब हम एक साथ में बनाएंगे तो पकौड़ी अच्छा नहीं होगा, इसीलिए हम एक एक करके पकौड़ी को हम तेल में डालेंगे। अभी देखो इसका साइज कैसा आता है। तो गाइस, एक ही पकौड़ी तो एक ही साथ में बनाना से इतना सारा पकौड़ी को तो टाइम लगेगा, इसीलिए हमको एक साथ में छह सात की पांच छह ऐसे ऐसे डालते जाना है, ऐसे ऐसे डालते जाना है। और जब ये हो जाएगा पूरा सुंदर से लाल हो जाएगा, मैं फिर आप लोग को एक बार फिर इसको दोबारा दूसरी साइड में पलट के मैं आपको दिखाऊंगी कैसा पकौड़ी बनता है। देखो ये इतनी अच्छा से पकौड़ी है। कभी कभी हम लोग को यही सोचते हैं कि ये तो फूल है, ये कद्दू की, कद्दू होने के लिए फूल होता है, लेकिन जो कद्दू में कद्दू का फूल में जो कद्दू लगता नहीं है, वही फूल इसमें तोड़ के इसको पकौड़ी बना जाता है। गाइस देखिए, अभी कितनी सारी में एक ही कढ़ाई में डाल दिया है पकौड़ी। सो मम्मी, एक और चीज पूछना था, तो ये जो कद्दू का फूल है जिसको हम बोईताड़ू फूल बोलते हैं, तो ये आप कब से खा रहे हो? ये जब मैं छोटे थे तब हमारा माँ लोग भी हमारा हमको बना के देते थे। ये हमारा उड़ीसा की यही सिस्टम है, खाने की सिस्टम है उड़ीसा का, ये एक रिवाज है, खुशी खुशी से। तो ये रेसिपी आपने अपने मम्मी से सीखा है? ये रेसिपी मेरा मम्मी से मैंने सीखा है, मेरा मम्मी उसकी मम्मी से भी सीखा है। ये एक आइटम हो जाता है खाने की। तो मम्मी है ना, ओडिशा की कई जगहों में इसको दूसरे दूसरे नाम से बोला जाता है, जैसे अगर मयूरभंज में बोलूं इसको हम बोईताड़ू फूलो बोलते हैं, अगर आप ये सेम चीज अगर कटक भुवनेश्वर में इसको कोखारू फूलो भी बोलते हैं। सही बोला मम्मी? हाँ। सो ओडिशा में हर एक जगह में नाम भी फेरी करते हैं कि कहाँ बोईताड़ू बोलते हैं, कहाँ कोखारू बोलते हैं, कोखारू बोलते हैं। तो बट मयूरभंज में हम इसको बोईताड़ू फूल बोलते हैं। फूल बोलते हैं। आप लोग भी कद्दू का, तो हिंदी में कद्दू तो हर कोई ये शब्द को पता है, कद्दू किसको बोलते हैं, ये कद्दू का फूल है। कभी कभी बहुत आदमी कद्दू का पेड़ आज तक दिखे भी नहीं होंगे, इसका फूल भी कैसा है दिखे नहीं होंगे। गाइस ये छोटा सा वीडियो आप लोग को दिखाने के मतलब है, आप लोग घर में बनाओ और खुद ये पकौड़ी बना के खाओ, बहुत टेस्ट रहता है पकौड़ी। ये पकौड़ी जो एक बार खाए वो बार बार बोले मैं खाऊं। तो मम्मी मैं बोलता हूँ, आप इसको भी पलटने का टाइम हो गया आपके हिसाब से क्या, और थोड़ा सा टाइम लगेगा? और थोड़ा सा लगेगा, उठा के देखती हूँ, उड़ जाएगा तो आप लोग भी देख लेंगे। हाँ उठता है, उड़ जाएगा, अभी मैं आपको उठा के देखती हूँ, दिखाऊंगी। जैसे हम मछली को पलटते हैं फ्राई करके, आप लोग इसको पलट दो, पलट देने के बाद ये फिर इसका साइज बराबर होके आ जाता है।
ये खाने बहुत क्रिस्पी होता है मम्मा, बहुत टेस्टी होता है खाने में, बहुत टेस्टी होता है। तो गाइस जैसे आप कलर देखते हैं, कलर भी अभी चेंज हो गया है, कलर चेंज हो गया और थोड़ा से दूसरी बार भी ऐसे दो तीन बार पलटे ऐसा कलर उभर के आ गया। अच्छा से पकौड़ी होके ऐसे ही बड़ा बड़ा रहेगा ये पकौड़ी का। मैं आपको दिखाऊंगी कैसे स्टाइल में भी इसको खाते हैं, बहुत अच्छा से पकड़ के खाते हैं और खुशी से, खुशी भी बहुत लगता है इसको खाने में। एक बार आप लोग घर में बनाओ, घर में बनाओ ये रेसिपी दाल के साथ, थोड़ा चावल के साथ, दाल चावल और कभी अचार ले लो और ये वाला पकौड़ी ले लो, और कोई सब्जी ही जरूरत नहीं। ये पकौड़ी में क्या जीरा की खुशबू है, लहसुन की खुशबू है, चावल में चावल इसमें डाला और ये सब टाइट टाइट हो जाएगा पकौड़ी, क्रिस्पी हो जाए। कटहल की पकौड़ी, बिहार की कटहल की पकौड़ी बनाते हैं चावल में, इस तरह से यही ही है, एक ही तरीका है। ये वो था कटहल की पकौड़ी और ये आ गया कद्दू का फूल का पकौड़े, बहुत टेस्ट होता है ये फूल का पकौड़ी। आइए गाइस मेरे साथ भी आप लोगों भी खाओ, मैं बना रही हूँ, हमारा घर में आप लोग आइए। तो मम्मी मैं सोच रहा हूँ आपसे कुछ कुछ जो लोकल खाने हैं, जो हमारे लोकल क्यूजिन है, तो मैं चाहता हूँ आप थोड़े थोड़े जो हमारे मयूरभंज की जो लोकल लोकल क्यूजिन है वो आपसे वीडियो में छोटे छोटे वीडियोस भी हो पक्का आप शेयर करो मम्मा, क्या बोल रहे हो मम्मी? हाँ जी हाँ जी, आप लोग का प्यार हमको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। ये तो मेरा छोटा सा किचन है, कभी कभी मैं भी आप लोग को कुछ कुछ दिखाती हूँ, मेरे को सब्सक्राइब करो और नया नया चीज भी मैं मयूरभंज का खाना दिखाऊंगी आप लोग को कैसे खाते हैं। और एक बार मैं पतुआ बना के दिखाऊंगी कैसे पतुआ बनता है, अगर बोलो तो मैं मम्मी नेक्स्ट वीडियो में पतुआ बना के दिखाऊंगी। वीडियो मेरा पतुआ आएगा और वो किस चीज का पतुआ, वो नेक्स्ट वीडियो में बताएगी मम्मी, कुंदरी पत्थर का पतुआ कैसे मैं बनाऊंगी आप लोग को। गाइस नया नया चीज भी आप लोग को मेरे साथ सीखोगी, अच्छा लगेगा। जैसे कि मम्मी ने बताया पूरा विस्तार में कैसे ये है ना कद्दू के फूल के पकोड़े बनाए जाते हैं, क्या है इसकी रेसिपी। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ भी डिटेल्स चाहिए मैं डिटेल्स लिख के दे दूंगा, क्या क्या है उसके इंग्रेडिएंट प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप मैं उसको लिख के आपको ना बता दूंगा। और मेरे पकौड़े निकल गए है गाइज, और गर्मा गर्म पकौड़े पूरी प्लेटिंग हो गई है और बस मुंह में खाने की देरी है, और ऑब्वियसली मम्मी ने बनाया तो पक्का बहुत अच्छा हो, बट अभी मैं खा रहा नहीं हूँ गाइस, बहुत मैं कर देता हूँ। ये देखो कौन आ गया, उल्लासी आ गया आज, एक्चुअली दोनों भाई घर पे ही है। और ये था मेरा पंजाब से ओडिशा आने का पहला ब्लॉग, बट मैं ट्राई करूंगा अपने होम टाउन की जितने भी चीजें आपको दिखा पाऊं मैं आपको दिखाऊंगा। भाई कैसा है स्वाद? मेरे बढ़िया क्रिस्पी है, मैं पूरा खा लूंगा, मेरा काम है इन दोनों से खाना बनवाना और खाना खाना बस। तो भैया भी अभी छुट्टी में आए गए, सो फॉर नाउ मैं ट्राई करूंगा कुछ वीडियोस देने के लिए, सोचा चलो एक लोकल रेसिपी है तो मैं उसको ब्लॉग के थ्रू शेयर करूं आप लोगों को, आपको भी पता चले हमारे लोकल क्यूजिन होता है किस तरह मयूरभंज का स्पेशली। सो गाइस बने रहिए अपकमिंग वीडियो के साथ, तो स्टे ट्यून्ड विद उत्तम उल्लास ब्रो, ऐसे ही प्यार ऐसे ही ना शेयर करते रहो हमारे वीडियो को अच्छा लगे। और टारगेट इस साल मैंने दिया है अराउंड 3 मंथ्स के अंदर मुझे चाहिए 10,000 सब्सक्राइबर, मुझे कैसे भी करके 10,000 पहुंचाने हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं काफी टाइम हो गए बट आपको भी पता है टाइम दे नहीं पाता हूं बिकॉज मैं होटल में जॉब करता हूं, भैया इंजीनियर है, भैया भी अपने ऑफिस में रहते हैं, तो मम्मी चाहते हुए भी मम्मी वीडियो दे नहीं पाते क्योंकि उनके पास कोई सोर्स नहीं है उनका कोई शूट करे क्या कैसे वो अपलोड करे। बट फॉर नाउ मैं ट्राई करूंगा ऐसे उसमें ज्यादा से ज्यादा आपको कंटेंट दे पाऊं जैसे आपको और भी इंटरेस्ट लगे। और बस गाइस ये बात श्योर है, मैंने इससे खुद को प्रोमिस किया एटलीस्ट मैं 10,000 सब्सक्राइबर तो करके दिखाऊंगा, और ये प्रोमिस मैं आपसे भी कर रहा हूं, आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करो और उत्तम उल्लास ब्रो को 10,000 तक पहुंचाओ। चलो चलिए गाइस मिलते हैं न्यू एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस बाय।